दिलचस्प बोला है बालवीर आए जब गाली इस समय ना बहुत दृश्य की है एकदम जंगली बुल की तरह सिंह मारने की जिद कर रहे हो तुम हुँ? थोड़ी सी शक्तियाँ क्या दे दी तुम्हें टिम्मी आंटी ने तुम तो खुद को योद्धा समझने लग गए लेकिन हमें भी जंगली बुल को कंट्रोल करना आता है दो तरफे हमले से कैसे बचूं महारानी को संदेश कैसे भेजूं अब जबदाली कहां रह गए थे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे महारानी ऐसी खबर लाए हो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी महारानी मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया क्या पता लगा लिया जबदाली जबदाली अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जबदाली अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है अब ठीक तो है ना नकापुश ये बच्चा कौन है इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा लेकिन उससे पहले हमें जबदाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा वरना ये काल लोग जाकर टिमनासा को सब सच सच बता देगा लेकिन दोस्त उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे उनके आंसर्स चाहिए लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए नॉट फेयर दोस्त थैंक गॉड इससे मेरा फेस नहीं देखा एक्चुअली विवान तुम्हारे घर में पहले से ही दो विलेन गेस्ट बैठे ही हुए हैं इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था दोस्त तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ गुड कॉल विवान अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा आई नो हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं ये कैसे हो सकता है चपताली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई है नकाबपोश आज रात ध्रुव तारे पे जाने वाला था ये वाली बात तुम्हारे मेरे और जबदाली के अलावा किसको पता थी अनन्या क्या हुआ दोस्त इतना शौक क्यों लग गया यही है वीर लोग वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस
क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलीडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलीडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हो शौर्य? वाओ, ये है शौर्य और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, but बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल। आगे बात करने से पहले तिमनासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिमनासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिमनासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है। पहरानी को बताना, पहरानी को सब बताना। विवान, ये महिला कौन है? शौर्य, यही तो है दोस्त का मास्टर शो। ये आंटी उसी छुपी शक्ति की मॉम है जिसने धरती पर तिमनासा को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। हाँ, और तिमनासा के जादू के कारण इन्हें उस छुपी शक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। सो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? तिमनासा ने इस महिला को बहुत लंबे समय से कैद में रखा था, इसलिए इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर हुआ है। जानकारी बाहर निकालने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं शौर्य जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए, मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए। फिकर नॉट आंटी, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, नकाबपोश दोस्त हैं और हमारे मार्गदर्शक शौर्य भी हैं। हाँ, और हम प्रॉमिस करते हैं उस साइको तिमनासा से आपका रिवेंज लेकर रहेंगे। और हम सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि डिम्मी आंटी ने जितनी भी माओं को अपने बच्चों से अलग किया है, हम उन सबका भी बदला लेकर रहेंगे। लेकिन तब तक आपको वीरलोक में सुरक्षित रहना होगा। सो कैसा लगा वीरलोक और कैसे लगे हमारे मार्गदर्शक शौर्य? ऑफ कोर्स वेरी इंप्रेसिव और गुड। नो, मैं तुम्हारे हॉलिडे पैकेज के बारे में पूछना तो भूल ही गया शौर्य से। कोई बात नहीं विवान, अब तुम खुद मेरे दोस्त हो ना, तो फिर हॉलिडे पैकेज क्यों? एक महीने के लिए यहाँ पर रुकने आऊंगा। फाइन, ऑफ कोर्स दोस्त, और मैं तुम्हें अपने वीरलोक के दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, डुबा डुबा और किकी। लेकिन अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि धरती लोक पर सुबह हो चुकी होगी और मम्मी भी हमें ढूंढ रही होगी। चलो चलते हैं। ऑफ कोर्स, तुम धरती पर जाकर अपनी माँ को संभालना। मुझे भी तो जाकर उस अनन्या को हैंडल करना है। Thank God, तुम सेफली वापस आ गए। हाँ, of course, मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ, an apple a day keeps trouble away। लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। Thank you.
नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, त्रुट सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूँ ना। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने तिमनासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूँ। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिमनासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। Why? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिमनासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। दो नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके। और विवान, विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। आज तो मम्मी इतने क्वेश्चन पूछेंगी जितने स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, आप यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं वो रिंकू है ना, हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। That means आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। So I promise आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज, आपकी नाक से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारे और देवू के लिए नाश्ता बना दिया, याद से खा लेना, मुझे जरा बाहर जाना है। इतनी देर में मम्मी के मुंह से एक बार भी बोलो नहीं सुनो तक नहीं निकला। What's going on? Excuse me, ये डॉक्टर शालिनी का घर कौन सा है? हेलो आंटी, मैं रिंकू, डॉक्टर शालिनी जी का बेटा। आपका नाम क्या है? अच्छा बेटा, मैं करुणा, विवान की मॉम। अरे हेलो हेलो आंटी। ठीक है बेटा, इट्स ओके। विवान नहीं नजर आ रहा, वो नहीं आया क्या? उसने मुझे अपनी पलटन का न्यू मेंबर बनाया है, आपको पता है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मम्मी घर पर है? हाँ आंटी, प्लीज कम इन। वैसे आंटी, मेरा घर आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है? ये कोई 3-4 किलोमीटर।
क्यों? नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज मैं विवान के पास खेलने जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग के कितना टाइम लगेगा, इसलिए मेरी साइकिल चलाने की स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो टोटल टाइम मुझे रफली लगेगा 7 to 8 minutes, तो 7 to 8 minutes जाने के लिए और 7 to 8 minutes आने के लिए, सो टोटल हुआ 15 minutes. 5 मिनट? नहीं नहीं आंटी, 15 मिनट. बेटा 5 मिनट से हम यहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं, अंदर चले. सॉरी, आइए आइए, प्लीज कम इन. वैसे तुम्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है क्या बेटा? हाँ आंटी, मुझे और भी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ, लैंग्वेज, साइंस और बहुत सारी चीजें. और पता है, ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल एयर 100 ग्राम तक का वेट उठा सकता है. भाई तो बैठिए ना, मैं तब तक मम्मा को बुला कर लाता हूँ. मम्मा, विवान की मम्मी आई है, करुणा आंटी. हेलो. हेलो. अरे, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. रिंकू बेटा जाओ, आंटी के लिए पानी लेके आओ. रिंकू बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप प्लीज बुरा मत मानिए. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को तो क्यूरियस होना ही चाहिए. बहुत प्यारा बेटा है आपका. थैंक यू. कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं. 12 साल पहले आपने मेरी सेकंड डिलीवरी करवाई थी, राइट? मैं सोच रही थी कि आपका चेहरा इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है मुझे. राइट. सो करुणा जी, हाउ हैव यू बीन? डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, लेकिन क्या उससे पहले आप रिंकू को कहीं बाहर भेज सकते हैं प्लीज? ओह यस. आंटी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको ठंडा पानी चाहिए नॉर्मल, तो मैं दोनों ही ले आया. वैसे ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ. बेटा रिंकू, तुम जाके अपना होमवर्क करो, ओके? वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ मम्मी. दैट्स ग्रेट. एक काम करो, आज तुम पिरामिड पे एक ऐसे लिखो, ठीक है? पिरामिड, इंटरेस्टिंग. बाय. जी करुणा जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी. वो मैं, आर यू ओके? आप पानी लीजिए. थैंक यू. आई एम नॉट ओके डॉक्टर. आपको तो याद होगा मेरी सेकेंड डिलीवरी. या आई रिमेम्बर. बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके बेबी की जान नहीं बचा पाए थे. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर, आप ये बात रिंकू को कभी मत बताइएगा. रिंकू और विवान एक ही क्लास में पढ़ते हैं, रिंकू ये बात विवान को बता सकता है, इसलिए. यस हाँ. बट कैन आई आस्क यू व्हाई? क्योंकि विवान मेरा बेटा नहीं है. यहाँ के हालात देखकर तो ये लगता है कि नकाबपोश ने जबदाली को या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया है. क्या? अपने चहेते जबदाली की अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है, तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जबदाली की नहीं, बल्कि उस औरत की फिक्र है. अनौरत? हाँ. इसका मतलब ये हुआ कि नकाबपोश उस औरत को यहाँ छुड़ाने आया था. तो क्या उसका बच्चा जिंदा है? क्या गफलत में कुछ भी बड़बड़ाई जा रही हो तिमनासा? गफलत में नहीं बड़बड़ा रही, बेमार. मैंने यहाँ एक औरत को बंदी बना कर रखा था,
क्योंकि कई साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी के कि क्या आगे क्या कि वो औरत एक छुपी हुई शक्ति को जन्म देगी जो शक्ति काल लोक का अंत करेगी। क्या? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तिमनासा? क्योंकि मैंने स्थिति काबू कर रखी थी। उस औरत को मैंने बंदी बना लिया था और उसका बच्चा उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अच्छा, यहाँ के हालात देख के लगता तो नहीं है कि स्थिति तुम्हारे काबू में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो छुपी हुई शक्ति अभी भी जिंदा है। इसका मतलब सर्वकाल ने नकाब पोश को जो पहेली दी थी वो इस छुपी शक्ति के ही बारे में थी। क्या सोच रही हो तुम ना सा? यही कि अब बहुत हो गया भैमार। पहले बालवीर, फिर छोटा बालवीर और अब ये नकाब पोश। इन तीनों का अंत मैं एक साथ ही करूंगी। कैसे? एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के साथ।